गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 की मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग बचपन से अर्थात सेवेंथ एट और नाइन्थ से में सुनते आते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसका स्टेटमेंट भी याद कर लेते हैं हम लोग, परंतु हर बार यही कह दिया जाता टीचर के द्वारा कि इसको सिद्ध करेंगे। आज वो दिन आ चुका है जिसमें हम लोग इसको सिद्ध करके देखेंगे कि वाकई में पाइथागोरस महोदय ने जो प्रमेय दिए वो सिद्ध किया गया कि ऐसे ही दे दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हम लोग यूज तो करते आ रहे सेवन से, आज प्रूफ करना है हम लोगों को। क्या है पहले ये समझ लिए, किसी समकोण त्रिभुज में मतलब पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए होता है और किसी त्रिभुज के लिए नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, अब बात आता है यहां पे कर्ण किसे कहते हैं, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री होगा उसका ठीक सम्मुख वाला भुजा यानी सामने भुजा वाला भुजा ये कर्ण माना जाता है। यहां पे बी समकोण है तो एसी कर्ण है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, तो कर्ण के अलावा जो कर्ण अगर एसी है तो इसके अलावा क्या बचता है, एक है ए बी एक है बी सी, तो कर्ण का वर्ग अर्थात एसी का वर्ग शेष दो या शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि ए बी प्लस बी सी के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अर्थात यूं कहे एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, किसमें यदि बी समकोण है, बी समकोण है तो, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है तो। क्या दिया है, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री ऐसे का सिंबल 90 डिग्री कहते हैं, लिखना जरूरी नहीं है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। इसके लिए एक रचना करना पड़ेगा, हमें रचना करना पड़ता है शीर्ष बी से कर्ण एसी पर लंब डाला, शीर्ष बी से एसी कर्ण, ये कर्ण एसी है, इस पर एक लंब डाला, इसका नाम दिया बीडी, और इसको संकेत में बीडी लंब है एसी पर। प्रमाण, हम लोग सबसे पहले इस त्रिभुज का ए डी बी, इसको त्रिभुज को सीधा करके ऐसे उलट के यहां पर रख लीजिए, जो यहां पे चित्र में दिखाई दे रहा है आपको ए डी बी, या कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन, कुछ चीजों को कल्पना की जाती है, कल्पना में इतनी शक्ति होती है कि हम बैठे बैठाए इंडिया से लंदन घूम सकते हैं, कल्पना के आधार पे यहां से बैठे बैठे कहीं जा सकते हैं, कल्पना बहुत बड़ी शक्ति होती है, और ये सारे चीज सबसे पहले कल्पना ही की जाती है। पाइथागोरस महोदय ऐसा नहीं जन्म लिया कर दिए कल्पना के, तो कल्पना करना हम लोगों को क्या चीज, कल्पना क्या, देखिए आप जरा इसको ए डी बी को ऐसे घुमा के ऐसे रख देंगे तो ऐसा होगा त्रिभुज, ए डी बी ऐसा त्रिभुज होगा, और एक त्रिभुज तो है ही ए बी सी, पहले से ही मूल त्रिभुज है वो, तो इस दोनों पे फोकस करना है, इन दोनों को हम लोग को समरूप दिखाना है, कोण बी ए डी बी ए डी अर्थात ये वाला कोण, ये कोण बी ए डी बराबर है बी ए सी के, बी ए सी के, क्यों
क्योंकि यह एक ही कोण है, ये छोटा वाला त्रिभुज में भी वही कोण है ये, और बड़ा वाला त्रिभुज ये भी लेते हैं तो ही वही कोण है। अगर एक ही कोण दोनों में होता है ना तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। कोण क्या, कोई दो एक ही भुजा दोनों भुजा में रहेगा तो उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं, एक ही कोण दोनों कोण में होगा दोनों त्रिभुज में होगा तो उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। तो यहां पे ए और ये ए एक ही है, उभयनिष्ठ है मतलब एक ही है, तो ये बराबर हो गया। और कोण ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी यानी कोण डी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि यह भी 90 डिग्री है और यह भी 90 डिग्री है, इसलिए बराबर है। और हम जानते हैं कि किसी भी दो त्रिभुज में मात्र दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, कोण कोण समरूपता उपपन्न के सिद्धांत से। इसका मतलब यह हुआ कि त्रिभुज ए बी डी, ए सॉरी चलिए ऐसे भी कह सकते हैं, ए बी डी समरूप हो गया ए बी सी के, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप भी ऐसा ए सी बी के नहीं मतलब, नहीं ऐसा नहीं होता, क्रम का बहुत ध्यान रखता है। इसमें एक वर्ड आता है संगत, संगत मतलब ठीक उसी के सम्मुख वाला। अब देखिए, कोई आदमी जुड़वा बच्चा है, जुड़वा लड़का है, तो हम कहेंगे दोनों जुड़वा है तो समरूप है, ठीक है, एक हाइट ज्यादा अठारह कम है मगर एक के जैसा है। चलिए ये भी एग्जाम्पल छोड़िए, एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, एक हनुमान जी को देखे होइएगा रामायण में, हनुमान जी छोटा रामायण मतलब हनुमान जी क्या करते हैं, अपना रूप एडजस्ट कर लेते हैं, छोटा सा बन जाते हैं, कभी विकराल रूप ले लेते हैं। तो मान लीजिए छोटा हनुमान जी यहाँ पे खड़े हैं और बड़े हनुमान जी यहाँ पे खड़े हैं, तो दोनों का चेहरा अलग होगा कि एक ही जैसा होगा, एक ही जैसा होगा, और एक ही जैसा है तो मतलब समरूप है। बट अगर इस हनुमान जी का पैर को ऊपर कर दे, हनुमान जी तो उड़ सकते हैं, जो उड़ रहे हैं ऐसे, इसका पाँव और मुख इधर चला गया पैर इधर चला गया, एक हनुमान जी खड़े हैं बड़े वाले, तो क्या उन दोनों का संगत बराबर है? नहीं है, क्योंकि उनका सर उधर है और पाँव इधर है, इनका सर ऊपर है और पाँव नीचे है, क्योंकि उड़ रहे हैं और ही खड़े अवस्था में है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको एज्यूम करेंगे कि वो खड़े हो जाएंगे तो कैसा लगेगा, तब समरूप दिखाएंगे। सिर के संगत सिर है, पैर के संगत पैर है, दया हाथ के संगत दया हाथ है, बायां हाथ के संगत बायां हाथ है, इसीलिए संगत में उसको उसके क्रम को बहुत ध्यान रखा जाता है। क्रम को ध्यान नहीं दीजिएगा तो वो संगत का मीनिंग हट जाएगा वहां से, तो फिर हम लोग का परिमेय सिद्ध नहीं हो पाएगा, परिमेय पे नहीं बैठ पाएगा वो, परिमेय पे सटीक नहीं आएगा। इसीलिए यहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी ये समरूप है ए बी सी के, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, समानुपाती का अर्थ है एक ही अनुपात में होते हैं। तो इनकी संगत भुजाएं, तो इसका संगत भुजा एक भुजा लेते हैं ए डी, चलिए इसका एक भुजा लेते हैं ए बी, तो इसका ए बी कर्ण है, ए बी इसका कर्ण है, तो इसका भी कर्ण ही लेना पड़ेगा, इसका कर्ण ए सी के लिए, इसका भुजा एक बार इसका एक भुजा लेते हैं ए डी, ए डी जैसा कि लंब है तो इसका भी लंब ही लेंगे ए बी। सर इसको तो ले लिए हैं बी डी और बी सी, हाँ ये भी होगा, बिल्कुल सही है कि बी डी बटा बी सी भी होगा, परंतु उसकी आवश्यकता हमें नहीं है अभी, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिए हैं। तो अब देखिए इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इससे गुणा होकर यहां लिखाएगा, तो ए बी गुने ए बी यहां लिखा गया, और ये जो है ए डी तो था ही और ए सी जाके गुणा हो गया। अब ए बी गुणे ए बी, ए बी स्क्वायर होता है और ये तो जैसे का वैसे, इस सबको समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण एक तैयार हो चुका है। अब ठीक इसी प्रकार हम त्रिभुज की छोटा त्रिभुज इसमें और बड़ा त्रिभुज ए बी सी में कंपैरिजन करेंगे, इसमें कुछ अध्ययन करेंगे, इसके गुणों का अध्ययन करके और ये बताएंगे कि ये दोनों आपस में समरूप है, जैसे इसको समरूप दर्शाए हैं इसको भी समरूप दर्शाएंगे। तो फिर से प्रयास करते हैं, हम देखते हैं बी सी डी, बी सी डी अर्थात ये वाला कोण
बी सी ए, बड़े वाला त्रिभुज ए बी सी का जो ये जो कोण है इसमें दोनों बराबर है। देखिए आप जब फोकस कर रहे हैं इस पे तो इसी पे फोकस करें, दूसरे चीज पे फोकस मत करें, हम इस पे फोकस कर रहे हैं त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी, यानी ये छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज उसी पे फोकस करें, आप बाकी सबको भूल जाइए, उसको मत अभी ध्यान रखिए, नहीं तो फिर समझने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, अभी जो काम कर रहे हैं उसी पे ध्यान देंगे। बी कोण बी डी सी, बी डी सी ये 90 डिग्री है तो रचना से है, हम तो रचना की है, ऐसा रचना ही की है यहां पे। और कोण एबीसी, एबीसी ये भी 90 डिग्री, यहां पे ये है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर हो गया,